दोस्तों जोशीमठ में पूज्यपाद शंकराचार्य जी के मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला और भोजन प्रसाद पाकर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धाम बद्रीनाथ की ओर। चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बद्रीनाथ रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़ने के बाद मिलता है इसी जोशीमठ में नृसिंह मंदिर। चलिए देखते हैं क्या है इसका इतिहास, करते हैं दर्शन और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम लोगों ने मंदिर में जाकर भगवान नृसिंह भगवान के दर्शन कर लिए। अंदर फोटोग्राफी मना है इसलिए हम यहाँ के नियम को भंग नहीं करेंगे। अगर आते हैं कभी आप तो इस भव्य दिव्य मंदिर में आने को ना भूले। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है अंदर और यहीं पर शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ को यहीं पर लाया जाता है। पालकी में बिठा कर और यही भगवान के विग्रह की पूजा की जाती है जो कि शंकराचार्य जी की गद्दी स्थान है। यहाँ पर भगवान जी को पालकी में बिठाते हुए ले आते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको और यही वो गद्दी है जहाँ पर भगवान जी की शीतकाल में पूजा विधि आदि सब संपन्न होता है। दोस्तों मंदिर इतना सुंदर है कि हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते लेकिन आगे की यात्रा भी करनी होगी। देख सकते हैं बिल्कुल दूर से यहाँ से दर्शन तो नहीं हो सकते भगवान के लेकिन प्रयास है आपको नहीं हो सकते। चलिए दर्शन ना से आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। मंदिर बहुत ही बड़ा है और भव्य दिव्य मंदिर है भगवान नृसिंह जी का। मन तो करता है कि यहीं से कहीं ना जाए, इतना सुंदर है ये मंदिर। बिल्कुल प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये सुंदर सा नृसिंह भगवान का मंदिर। और दोस्तों फिर से कहते हैं कि अगर कभी आप आते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए तो जोशीमठ में नृसिंह मंदिर का दर्शन अवश्य कर लें। इसकी भव्यता दिव्यता और पवित्रता आपको मोहित कर लेगी। सभी ओर से मंदिर के दर्शन कराए हैं आपको और यहाँ पर नृसिंह मंदिर का पूरा विवरण दिया गया है जहाँ पर इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। यहाँ पर दंडधारा हनुमान मंदिर के पास और दोस्तों चलते चलते फिर से एक बार आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं क्योंकि ये आकर्षित बहुत कर रहा है हमें। सभी दिशाओं से आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं और फिर से कहते हैं अगर आते हैं कभी तो यहाँ के दर्शन अवश्य कर ले। दोस्तों चलते हुए बद्रीनाथ धाम का रास्ता ऊपर से है लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट है, देख सकते हैं पूरा शॉर्टकट दिखाते हैं आपको जहाँ से हमें बढ़ना है आगे। और आगे जाके मिलेगा बिल्कुल वो नीचे हाईवे, उस और है हाईवे, हाँ देख सकते हैं वहाँ नीचे हाईवे और ऊपर हाईवे से जाएंगे शॉर्टकट छोड़ के तो 10 किलोमीटर का अंतर है और यहाँ से बीच के रास्ते से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। और ये बीच के रास्ते हमें बहुत मदद करते हैं जिनके द्वारा लगभग काफ़ी समय भी बचता है और अंतर भी कम हो जाता है लेकिन आराम से उतरना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल ढलान होती है। और दोस्तों चलते हुए मिले हैं बहुत सारे अखरोट के फल, पेड़ है ये बड़े बड़े अखरोट के और फल भी बहुत है लेकिन अभी इनका सीज़न नहीं है, एक महीने बाद इनका सीज़न शुरू हो जाता है। बहुत बड़े बड़े फल है इस पर देख सकते हैं और ये अखरोट के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत ढलान वाला है ये रास्ता, आराम से उतरना होता है। ऐसी सीढ़ियों पर उतरते हुए थोड़ा संभल के चलना है क्योंकि बिल्कुल ढलान पर है ये, पैर फिसल सकता है, दुर्घटना हो सकती है लेकिन अंतर भी बहुत कम करते हैं ये। रोड के पास पहुंच चुके हैं लेकिन बहुत सीधी ढलान है यहाँ पर। और दोस्तों ये जोशीमठ का बहुत
बहुत बड़ा पहाड़ उतरते हुए पहुंच चुके हैं हाईवे पर। अब रोड बाय रोड होते हुए पढ़ना है आगे हम बद्रीनाथ की ओर। दोस्तों जोशी मठ की बहुत बड़ी पहाड़ उतरते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं मैया अलकनंदा के पुल पर और बढ़ना है आगे बद्रीनाथ की ओर। लगभग यहाँ से बद्रीनाथ धाम 35 किलोमीटर है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कल हो जाएंगे आप सबको धाम बद्रीनाथ के दर्शन। और दोस्तों चलते हुए पहुँच चुके हैं विष्णु प्रयाग स्थल पर। जोशी मठ के आगे का ये पहला पड़ाव है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मैया का संगम होता है। और दोस्तों विष्णु प्रयाग में आने के बाद यहाँ पर आपको ये फलक मिलता है जहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग, जहाँ पर नारद जी ने तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने यहाँ पर उन्हें दर्शन दिया था और तभी से इस संगम को कहा गया है विष्णु प्रयाग। चलिए करते हैं भगवान विष्णु नारायण मंदिर के दर्शन। मंदिर छोटा सा है लेकिन बिल्कुल आकर्षक और सुंदर है, जो आने के बाद आपको आकर्षित अवश्य करता है। भगवान विष्णु नारायण मंदिर के दर्शन के बाद पीछे मिलता है भैरवनाथ मंदिर। और उसी के निकट भूतनाथ महादेव मंदिर। और दोस्तों इन तीनों मंदिरों के दर्शन होने के बाद दर्शन किया जाता है यहाँ पर क्षेत्र विष्णु प्रयाग का, जहाँ पर धौली गंगा और माँ अलकनंदा का संगम होता है। यही है वो विष्णु प्रयाग क्षेत्र। इस ओर से धौली गंगा आते हुए और बिल्कुल आगे बढ़ते बढ़ते वो आके मिल जाती है यहाँ पर मैया अलकनंदा को, और यहीं पर होता है विष्णु प्रयाग नामक संगम। पंच प्रयाग में से सबसे पहला स्थान है ये विष्णु प्रयाग, और बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी यात्री सबसे पहले यहाँ का दर्शन करके आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विष्णु प्रयाग के दर्शन हम लोगों ने किए और बढ़ना है आगे। जब भी आप आते हो तो बिना चुके बिना भूले यहाँ पर आकर धौली गंगा और मैया अलकनंदा के संगम विष्णु प्रयाग के दर्शन अवश्य कर ले, जो कि महर्षि नारद जी की तपस्या स्थली भी है और साक्षात भगवान विष्णु नारायण ने महर्षि नारद जी को यहाँ पर दर्शन दिए। दोस्तों आज जोशी मठ से आगे आने के बाद विष्णु प्रयाग पर हम लोग रुके हैं और यहाँ पर पूज्य अरुणानंद गिरी जी महाराज जी के दर्शन हुए हैं। बिल्कुल इसी संगम पर साधु संगम भी हुआ है, हम सब भाग्यशाली है। चलिए महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, बढ़ना है आगे धाम बद्रीनाथ की। दोस्तों विष्णु प्रयाग के दर्शन हो चुके हैं और बढ़ रहे हैं आगे धाम बद्रीनाथ की ओर। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कितना रहता है लक्ष्य कल के लिए। और दोस्तों बद्रीनाथ धाम रोड पर भूस्खलन हमेशा जारी रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है और ये घटनाएं हमेशा शुरू रहती है। इसलिए बद्री विशाल के मार्ग पर सावधानी बहुत जरूरी है, कभी भी पत्थर गिर सकता है और रोड भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। हमें बहुत से लोगों ने कहा था कि बद्रीनाथ धाम पर रोड तो बहुत खतरनाक है और उसकी अनुभूति भी आती हुई, बिल्कुल डरावने हैं यहाँ के रोड और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से। दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्तों की कठिनता और भी दिखाई दे रही है। ऐसे रास्तों पर वाहन चालकों की परीक्षा होती है। दोस्तों सुबह से चलते हुए आखिर पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, जहां पर आज विश्राम करना है और सुबह धाम बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ना है। और दोस्तों गोविंद घाट के
गुरुद्वारा में पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और जहाँ पर रुकने की खाने की पूरी व्यवस्था है। यहीं पर आज का विश्राम होगा। मिलते हैं कल सुबह धाम बद्रीनाथ के दर्शन में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम कृष्ण हरी।